अगर आप कच्ची चिकन की बोटियाँ यूज़ कर रहे हो ठीक है, तो आपको फ्राई करनी पड़ेगी. ठीक है, आई एम गोइंग टू यूज़ दिस हाफ कप ऑयल, ये जिंजर गार्लिक, इसमें हम डालेंगे प्याज और शिमला मिर्च, और दो मिनट के लिए मैं उसको फ्राई करूँगी. ये रखी हुई है मेरे पास, मोटी मोटी काटनी है. एक शिमला मिर्च, एक बड़ी प्याज ली थी उसको गोल स्लाइसेस में काट के बीच से आधा कर दिया. मैं पहले सब्ज़ी नहीं डालूंगी वरना मेरी सब्ज़ी का कलर ख़राब हो जाएगा. मैं पहले ये टिक्का बोटी डाल रही हूँ. इसको हम 5 मिनट फ्राई करेंगे, फिर इसमें मैं वेजिटेबल्स डालूंगी. वेजिटेबल्स डाल के एक दो हाथ चलाऊँगी. तरफ ये मेरे पास वाइट पेपर है, इसी में मैं डालूँगी ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून भर के. ये चला गया. गरम मसाला पाउडर 1/4 टीस्पून, चिकन पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट बहुत थोड़ा सा बिकॉज चीज़ है इसमें और ऑलरेडी टिक्का बोटी में नमक होता है, ज़रा सा डाल रही हूँ बस इतना सा, ये भी ज़्यादा है. 1/4 टीस्पून चेडर चीज़, 2 चीज़ के क्यूब्स एक ऊपर के लिए. ये सारे मसाले चले गए, ये दोनों चेडर और क्रीम चीज़ चली गई. वेजिटेबल्स जा रही हैं, दूध 1/4 से 1/2 कप, बस ये रेडी है. मैं इसको उतार रही हूँ, उसमें क्रीम डाल रही हूँ, चूल्हा बंद कर रही हूँ उसका. बस दैट्स इट, इट्स सो सिंपल.